हेलो बच्चों, आज हम यमन राग के बारे में जानेंगे। यमन राग का पूरा स्वरूप क्या होता है, उसे कब गाया जाता है, उसका वादी संवादी क्या होता है, वो सब की जानकारी देंगे। यमन राग में सबसे पहले वादी स्वर, इसका वादी स्वर होता है ग, और संवादी होता है नी, और इसका विकृत स्वर होता है म तीव्र, ये तीव्र होता है। इसका गायन समय रात्रि का प्रथम पहर। इसके आरोह अवरोह कैसे हैं? आरोह सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, ये थे इसके आरोह अवरोह। कैसे गाया हमने आरोह, कैसे गाया था? सारे ग म प ध। अब लौटेंगे, ये अवरोह है सा नी ध प म ग रे सा। ये म थोड़ा सा जो अलग सा लगता है, इसे ही तीव्र कहते हैं। अब इसकी पकड़ करेंगे, नी रे ग रे प म ग रे सा। तो कैसे गाया हमने, फिर से गाएंगे हम इसका आरोह अवरोह। आरोह सा रे ग म प ध नी सा, ये हमने गाई इसकी आरोह अवरोह। अब पकड़ गाएंगे, नी रे ग रे सा प म ग रे सा। तो समझ में आया बच्चों आप लोगों को? आज हम इतने ही स्वर का अभ्यास करेंगे, हमें जब ये याद हो जाएंगे तब हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो इसका वादी स्वर क्या था? ग, और संवादी नी। वादी स्वर का अर्थ होता है जो इस राग में बार बार प्रयोग किया जाता है स्वर, वो सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है इस गायन का, इस राग का। और जो संवादी होता है वो जो सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है उसके पीछे पीछे चलता है, ये उसका दूसरा महत्वपूर्ण स्वर होता है। और इस संवादी स्वर से ही इस राग की पहचान हो पाती है, इसलिए ये दोनों इस स्वर की जान होते हैं एक तरीके से, जिसे हम कहते हैं वादी संवादी।